गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पारुल एंड टुडेज माय टॉपिक इज द ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एंड बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। लेट्स स्टार्ट। यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ योर सोशल साइंस कोर्स अप टू सेकेंडरी स्टेज। अब से पहले हम ज्योग्राफी को सोशल साइंस के अंदर पढ़ते थे, क्लियर। Now you will study geography as an independent subject and learn about the physical environment of the earth, human activities and their interactive relationship. But अब हम इसको एक अलग subject के रूप में पढ़ेंगे और ये physical geography यानी कि भौतिक भूगोल और मान human being जो activity करता है उनके संबंध में जानकारी देगा। Why should we study geography? हमें geography क्यों पढ़ना चाहिए? We live on the surface of the earth. We live are affected our surrounding in many ways. हम अर्थ के ऊपर रहते हैं और अर्थ के ऊपर हमें बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। Primitive societies subsisted of natural means of subsistence, edible plants and animals with the passage of time. आदिम समाज यानी कि अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो अपने भरण पोषण के लिए अपने आसपास के संसाधनों जैसे पशु है, खाद्य पदार्थ आदि पर आश्रित था। वी डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टेड द प्रोड्यूसिंग अवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सोयल एंड वाटर। बट धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया, प्राकृतिक संसाधन यानी कि भूमि, मिट्टी और जल का उपयोग करने के लिए हमने अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज कर लिया। You will develop skill to understand the globe, converting into the maps and have a visual sense of the earth's surface. The understanding and the skill obtained in modern scientific techniques such as GIS and computer cartography meaningfully contribute to the national development. भूगोल को समझने के लिए धीरे धीरे भूगोल में क्या हुआ, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज शुरू कर दिया जिसमें हम GIS, कार्टोग्राफी और इन सब के योगदान को पढ़ते हैं कि ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। व्हाट इज ज्योग्राफी, यू नो दैट द अर्थ इज होम। ज्योग्राफी क्या है, हम ज्योग्राफी को ह्यूमन बीइंग के घर के रूप में उसका स्टडी करते हैं। इट ऑल्सो होम ऑफ मैनी अदर क्रीचर्स बिग एंड स्मॉल विच लिव इन द अर्थ ऑफ सिचुएशन। अर्थ के ऊपर बहुत सारे छोटे और बड़े जीव रहते हैं। द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, सब जगह एक जैसी नहीं है। इट हैज वेरिएशन इन फिजिकल फीचर्स, इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उनमें बहुत सारे वेरिएशन है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन एरिया है और कहीं माउंटेन है, राइट। कहीं पर आपका फॉरेस्ट एरिया है और फिर ह्यूमन बीइंग ने जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की है उसमें सिटीज, रोड, रोलवेज, पोर्ट्स, मार्केट्स और बहुत सारी चीजों को क्रिएट किया गया है। नव यू स्टडी टू एबल द अटेम्प्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन पोस्टेड अर्लियर इन द वाइज द ज्योग्राफी। आई थिंक अब आप उस चीज को बताने में कैपेबल है कि हम ज्योग्राफी क्या है। इन वेरी सिंपल वर्ड इट कैन बी द सैड दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी जो है अर्थ का एक डिस्क्रिप्शन है। द टर्म ज्योग्राफी वॉज द फर्स्ट कॉइन्ड बाय द एरिस्टॉटल ए ग्रीक स्कॉलर्स 276 एंड 194 BC। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का जो वर्ड यूज किया था वो एरिस्टॉटल ने किया था, ये एक ग्रीक स्कॉलर्स थी, राइट। और धीरे धीरे हमने इस चीज को जो है आगे पढ़ना शुरू कर दिया। अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल दैट द वाई मैनी डिसिप्लिन फ्रॉम नेचुरल साइंस एंड सच एज ए जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशियनग्राफी, बोटनी, जूलॉजी एंड मेट्रोलॉजी एंड द नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंस सच एज इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ। धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, जब हम अर्थ को हमेशा से जो है बहुआयामी रही है यानी कि हम इसमें मिट्टी विज्ञान भी पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान, वनस्पति, वेदर और बहुत सारे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशल साइंस, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। वी हैव नोटेड दैट देयर एग्जिस्ट वेरिएशन ओवर द होल सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज फिजिकल एज वेल एज कल्चर एनवायरमेंट। और धीरे धीरे हम पृथ्वी के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में जो भिन्नता है, जो वेरिएशन हमें दिखाई देता है उसकी स्टडी करते हैं। ज्योग्राफर्स डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन इन द फिनोमिना ओवर द अर्थ सरफेस। ज्योग्राफर्स जो है वो एक घटना की यानी कि जो फिनोमिना अर्थ के ऊपर होते हैं उसके वेरिएशन की स्टडी ही नहीं करता बल्कि एसोसिएशन द अदर फैक्टर्स विच कोज दीज वेरिएशन, फॉर एग्जाम्पल क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट फ्रॉम द रीजन, बट द वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न
फिनोमिना रिलेटेड टू द वेरिएशन इन सोयल क्लाइमेट डिमांड्स इन द मार्केट्स कैपेसिटी ऑफ द फार्मर इन्वेस्ट द टेक्नोलॉजी इनपुट्स अवेलेबल. Thus, the concept of geography is the out of casual relationship between any two phenomena or between more than one phenomena. अभी क्या हुआ, भूगोल वेत्ता मात्र जो अर्थ के ऊपर जो चीजें हैं उनका ही नहीं अध्ययन करता बल्कि जो फसल का जो स्वरूप है इनके क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसका भी अध्ययन करता है. मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, डिमांड क्या है मार्केट में किस चीज की, और किसान को खर्च करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कैसे करता है, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करता है, और इन सब की जो है वो इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, इन सब की स्टडी भी ज्योग्राफी करता है. द ज्योग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक एंड हाईली डायनामिक, दे चेंज ओवर द टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन ओवर द चेंजिंग अर्थ एंड अनरेस्टिंग मैन. अब अर्थ क्या है, भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के जो अनरेस्टिंग मैन, इन्होंने एक वर्ड यूज किया चेंजिंग द अर्थ. अर्थ क्या है, चेंज होती रहती है. चेंज का मतलब होता है आज वहां खेत है कल वहां बिल्डिंग हो सकती है. ह्यूमन बींग कभी भी शांत नहीं बैठता, उसके माइंड में कुछ ना कुछ ऑलरेडी चलता रहता है. तो इन सब का क्या रिलेशनशिप है और ये किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर है रिलेट है, और उन सब की भी स्टडी करता है. ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर एंड नेचर हैज द इम्पेरेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर द इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ इन पेरेंट्स ऑफ द नोटेड दैट द फूड क्लोथिंग शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन ह्यूमन बींग्स हैव कम टू द टर्म्स विद द नेचर एंड द एडोप्टेशन ऑफ द माइंड. अब क्या होता है, भूगोल एक प्रकार की प्रकृति मानव का एक समग्र इकाई के रूप में